कौन सा क्वेश्चन है? हेलो, कौन सा पार्ट करना है? ए बी सी डी कौन सा करना है? मुझे इसको समझना है, जी वाला और डी वाला। डी जी और डी। ओके, पहले मैं डी कराता हूँ, ठीक है? डी देखो, 18 - 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 2 + 2। तो देखो 18 - 2 × 10 - 20 / 2 + 2। अब इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 10। 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 और प्लस 2, 18 - 10 8 और 8 + 2 10 आंसर आएगा, ठीक है? हेलो, समझ आ गया? वैसे इसमें ना पहले डिवाइड करना होता है, ये डी मास का रूल लगाना होता है, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये तो वैसे भी हो गया, ठीक है ना? तो वैसे वो रूल को फॉलो जरूर करना। जी पार्ट जो है आपका, वो है जी पार्ट है 17 × 3 + 81 / 9 - 60। ठीक, अब देखो इसमें पहले डिवाइड वाला कहां पर है, ये रहा, तो पहले डिवाइड कर दो। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 - 60। और 17 × 3 = 51, अब मल्टीप्लाई कर दो। अब डी मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले एडिशन करना है, तो 51 + 9 करोगे तो कितना आएगा, 60, और 60 - 60 क्या आ जाएगा, 0। समझ आया आपको समीर? यस। कोई डाउट? नो सर, नो। ओके चलो, और कोई क्वेश्चन समझना है? ई वाला सर। ई वाला, ई में है डी, 25 / 5 × 8 एंड देन प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व। तो देखो ऐसे करोगे, पहले डिवाइड कर दो, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 8 + 6 - 12। अब 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको ऐड कर दो, 46 - 12 कितना आएगा, 46 - 12 आ जाएगा 34। ठीक है, समझ आया आपको? ओके ओके, ऐसे ही करने से भी सम कर लोगे। ओके थैंक यू। ओके, फीडबैक दे देना अपना, ठीक है, मींस रेटिंग कर देना। ओके थैंक यू। क्या करना है? रेटिंग, रेटिंग देना है, रेटिंग। ओके चलो, ना ना बड़ी बात नहीं है।